चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके बारे में पौराणिक कथा है जो महिषासुर के जीवन से जुड़ी है। महिषासुर ने ब्रह्मदेव से अपनी मृत्यु का ऐसा वरदान मांग लिया था जिसके कारण वह तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया और वह अमर हो गया था। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार महिषासुर रंभासुर का बेटा था। अग्निदेव के आशीर्वाद से महिषासुर का जन्म हुआ था। वह अमरत्व की प्राप्ति करना चाहता था ताकि उसे कोई न मार सके और वह अमर हो जाए। इसके लिए उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की उपासना प्रारंभ की। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उसे सफलता मिली और महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तब महिषासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने अमरता को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उसने कहा कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथ ही हो। ब्रह्मदेव ने उसे वह वरदान दे दिया। इसके बाद से वह अजेय हो गया, उसे कोई हरा नहीं पाता था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने ऐसा वरदान यह सोचकर मांगा था कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो उसे मार सके। तब तीनों लोकों पर महिषासुर का अधिकार हो गया था। उसका अत्याचार भी बढ़ गया। सभी देवी देवताओं ने धर्म स्थापना और महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा का आह्वान किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माँ दुर्गा प्रकट हुई। फिर आदिशक्ति ने प्रतिपदा तिथि से लेकर महानवमी तिथि तक क्रमशः अपने 9 स्वरूपों को प्रकट किया, जो माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हैं। इन वजहों से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें नौ दुर्गा की पूजा होती है। फिर माँ दुर्गा ने शारदीय नवरात्रि की दशमी को महिषासुर का वध कर दिया। उस दिन विजयदशमी मनाई जाती है। महिषासुर और माँ दुर्गा में 9 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। इस प्रकार से सत्य की असत्य पर और पुण्य की पाप पर विजय प्राप्त हुई। जय माता रानी।